हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत शर्मा। आपको स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पर। दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों बीएससी पार्ट सेकंड ईयर का। ठीक है, बीएससी पार्ट सेकंड ईयर का दोस्तों बॉटनी का पेपर है। ठीक है ना, किसका है? बॉटनी का पेपर है दोस्तों, बॉटनी का थर्ड पेपर है। ठीक है, बॉटनी का थर्ड पेपर लेके आए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम आपके लिए बता दें दोस्तों, ये जो बॉटनी का थर्ड पेपर है दोस्तों, इसको हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया दोस्तों? दो भागों में बांट दिया है, भाग फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों बॉटनी के सेकंड यानी कि थर्ड पेपर को, ठीक है, बीएससी पार्ट सेकंड ईयर वालों के बॉटनी के थर्ड पेपर को दोस्तों हमने दो भागों में बांट दिया है। फर्स्ट भाग में दोस्तों, फर्स्ट भाग में हम क्या कराएंगे दोस्तों? आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिट कराएंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट कराएंगे, एंड सेकंड वाले भाग में क्या करवाएंगे दोस्तों? थर्ड और फोर्थ। ठीक है, थर्ड और फोर्थ यूनिट करवाएंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों हम आपके लिए बता दें दोस्तों, ये जो पेपर है दोस्तों पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर लेके आए दोस्तों आपके लिए। ठीक है ना, पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर लेकर आए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे, और दोस्तों एक बार बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार देखना है दोस्तों, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो कि हमारी आने वाली वीडियो दोस्तों आपका सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो में, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो कृपया करके लाइक करते रहेंगे दोस्तों, लाइक करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसकी अगर पीडीएफ आपको देखना है, ठीक है ना, पीडीएफ हमने दोस्तों अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ऑल सब्जेक्ट किसी की भी पीडीएफ चाहिए, सबके लिंक में, सबके जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है दोस्तों, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया है विलय का विसरण दाब 25 एटीएम यानी कि एटमॉस्फेयर है, तथा विलयन का 10 एटमॉस्फेयर है, विलयन का बीपीडी होगा। जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। विलायक का विसरण दाब 25 एटमॉस्फेयर है, तथा विलयन का 10 एटमॉस्फेयर है, तो विलयन का डीपीडी होगा। ठीक है, तो डीपीडी कितना होगा दोस्तों? कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है दोस्तों? ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर खा, 15 एटमॉस्फेयर, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देखते रहेगा दोस्तों, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देखते रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह बिंदु जिस पर प्लाज्मोलिसिस प्रारंभ होता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? कमेंट करेगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जल्दी से बताएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है दोस्तों? ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर खा, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहिएगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टोमेटा के खुलने व बंद करने की प्रोटीन ट्रांसपोर्ट थ्योरी दी है, किसने दी थी दोस्तों? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट थ्योरी दी थी, किसने दी थी दोस्तों? जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, क्या रहने वाला है दोस्तों? ऑप्शन नंबर घा। ठीक है, क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर घा, लेविट 1974 में दी थी। ठीक है, कितने में दी थी? 1974 में लेविट ने दी थी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश वाले साथ साथ में देखते रहेगा दोस्तों, इंग्लिश वाले स्टूडेंट साथ साथ में देखते रहेगा, ठीक है, समझते रहेगा। जल के सक्रिय अवशोषण की ऑस्मोटिक थ्योरी दी थी, किसने दी थी दोस्तों? जल के सक्रिय अवशोषण की ऑस्मोटिक थ्योरी किसने दी थी दोस्तों? जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर गा रहेगा, एटकिंस तथा प्रिस्टले ने, किसने दी थी? एटकिंस तथा प्रिस्टले ने, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर का हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है प्रयोगशाला में प्लाज्मोलिसिस के प्रदर्शन में किस पौधे को प्रयोग करते हैं, किस पौधे को प्रयोग करते हैं दोस्तों? जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे दोस्तों। जल्दी से बताएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला दोस्तों? ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, ट्राडेस्केंसिया, ट्राडेस्केंसिया दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ट्राडेस्केंसिया, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दिया है पौधों की जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित किया जाता है, जल्दी से, पौधों की जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित किया जाता है दोस्तों, क्या? जल्दी से कमेंट करिएगा क्या अवशोषित किया जाता है, जल्दी से कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा।
तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर गा कैपिलरी जल, कैपिलरी जल ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, मृदा से मूल रोमों में जल प्रवेश करता है, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला। जल्दी से दोस्तों कमेंट करते रहेगा, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करते रहेगा दोस्तों। जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर खा, सक्शन दाब के कारण। ठीक है, सक्शन दाब के कारण ये हमारा राइट आंसर रहेगा, सक्शन दाब के कारण ये हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रसारोहण की इम्बिविशन थ्योरी किसने दी थी। जल्दी से इम्बिविशन थ्योरी किसने दिया था दोस्तों, जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहेगा इसमें, जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला दोस्तों, ऑप्शन नंबर का। ठीक है, सेच्स ने, किसने दी थी, सेच्स ने। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, सेच्स हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहेगा दोस्तों, इंग्लिश वाले स्टूडेंट जरूर देखते रहेगा दोस्तों। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लंबे पौधों में रसारोहण को समझाया जा सकता है, लंबे पौधे में रसारोहण को समझाया जा सकता है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से दोस्तों कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, वीडियो को साथ साथ में लाइक करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर घा। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर घा रहने वाला है, डिक्शन थ्योरी से। ठीक है, डिक्शन थ्योरी से ही हमारा राइट आंसर रहने वाला है, डिक्शन थ्योरी से हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों, बिंदु श्रावण होता है, जल्दी से बिंदु श्रावण होता है दोस्तों, किससे होता है, किसके किस में होता है दोस्तों बिंदु श्रावण, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर खा, जल स्टोमेटा द्वारा, जल स्टोमेटा द्वारा ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सवेदन को नापा जाता है। ठीक है, उत्सवेदन को, ठीक है, जल्दी से बताएगा, उत्सवेदन को नापा जाता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, पोटोमीटर, पोटोमीटर हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों, पोटोमीटर हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किन पौधों में स्टोमेटा रात में खुले रहते हैं लेकिन दिन के समय बंद रहते हैं, जल्दी से किन पौधों में। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, किन पौधों में स्टोमेटा रात में खुले रहते हैं लेकिन दिन के समय बंद रहते हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर का। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर का रहेगा, मांसल मरुद्भिदों में। ठीक है, किसमें, मांसल मरुद्भिदों में, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जड़ों द्वारा अवशोषित कुल जल का कितने प्रतिशत भाग वाष्पोत्सर्जन में व्यर्थ जाता है, जल्दी से कमेंट करेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहेगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट जरूर देखते रहेगा दोस्तों, कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, 99%, 99%, 99% ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न एंटी ट्रांसपायरेंट है। ठीक है, निम्न एंटी ट्रांसपायरेंट है दोस्तों, क्या है, जल्दी से कमेंट करेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर घा। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर घा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर घा रहने वाला है। ठीक है, PMA तथा तथा एब्सेसिक अम्ल। ठीक है, तथा एब्सेसिक अम्ल ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, PMA तथा एब्सेसिक अम्ल ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि पंक्तियों पर फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट का छिड़काव किया जाए तो दोस्तों क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेगा तो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर खा रहने वाला है। ठीक है, उत्सवेदन दर घट जाती है, क्या घट जाती है दोस्तों, उत्सवेदन दर घट जाती है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होता है किसमें होता है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होता है दोस्तों किससे,
किसके द्वारा होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से दोस्तों कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों, जल्दी से बताएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह करेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घास, इस्टोमेटा द्वारा, ठीक है। तो इस्टोमेटा द्वारा ही हमारा राइट आंसर रहेगा, बाष्प उत्सर्जन सबसे अधिक होता है किसमें होता है दोस्तों, इस्टोमेटा द्वारा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पौधों में यानी कि वार्षिक पौधों में गैसीय गैसीय आदान प्रदान मुख्य रूप से होता है, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, वार्षिक पौधों में गैसीय आदान प्रदान प्रमुख रूप से होता है, जल्दी से किसके द्वारा होता है, जल्दी से कमेंट करते रहेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वे क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर का इस्टोमेटा द्वारा, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, इस्टोमेटा द्वारा ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस यानी परासरण शब्द दिया है, परासरण शब्द दिया, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर का रहेगा, नोलेट, नोलेट हमारा राइट आंसर रहेगा, नोलेट हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पादप कोशिका में परासरण दाब होता है, पादप कोशिका में परासरण दाब होता है, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ 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 वीडियो को लाइक भी करते रहेगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डीपीडी प्लस टीपी, डीपीडी प्लस टीपी, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल दाब का मापन किया जाता है, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, मूल दाब का मापन किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा, कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर खा, मैनोमीटर से, ठीक है। तो मूल दाब का मापन किया जाता है दोस्तों किससे किया जाता है, मैनोमीटर से किया जाता है, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, किसने कहा था वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है, ठीक है। तो किसने कहा था कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है दोस्तों, कमेंट करेगा, कमेंट करेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर का, ठीक है, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर का, कार्टिस, कार्टिस हमारा राइट आंसर रहेगा, कार्टिस हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख रहेगा दोस्तों, इंग्लिश वाले स्टूडेंट जरूर देखते रहेगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पौधे अवशोषित करते हैं, क्या करते हैं अवशोषित दोस्तों, कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, पौधे अवशोषित करते हैं दोस्तों क्या, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर का, ठीक है, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर का, केशिकात्मक जल, केशिकात्मक जल, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू श्रावण, बिंदु श्रावण खोजा था, बिंदु श्रावण खोजा था दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, बिंदु श्रावण खोजा था, जल्दी से कमेंट करते रहेगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वे क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर घा, ठीक है, क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर घा, बर्जिस्टिन, ठीक है, बर्जिस्टिन ने, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, बर्जिस्टिन हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, बिंदु श्रावण को, बिंदु श्राव को, सॉरी, बिंदु श्राव का कारण है, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, बिंदु श्राव का कारण है दोस्तों, क्या कारण है बिंदु श्राव का, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वे क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, उच्च मूल दाब, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, उच्च मूल दाब, ये हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों, साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहेगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बरसात में खिड़की दरवाजे किस कारण से फूल जाते हैं, जल्दी से कमेंट करेगा, कमेंट करेगा दोस्तों, बरसात में खिड़की दरवाजे किस कारण से फूल जाते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजे आने वाले हैं दोस्तों, पूरी वीडियो में लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहेगा दोस्तों, मजे आने वाले हैं, जल्दी से बताएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला दोस्तों, ऑप्शन नंबर का, ठीक है, इम्बाइबिशन, ठीक है, इम्बाइबिशन के कारण जो है दरवाजे खिड़कियां क्या होती हैं, फूल जाती हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पत्ती के किनारे से, सॉरी, पत्ती के किनारे से पानी के निकलने को कहते हैं, जल्दी से, पत्ती के किनारे से पानी को निकलने से निकलने को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों क्या ऑप्शन रहने वाला है।
ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला भी क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर घटेशन, घटेशन हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, घटेशन हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट वे होते हैं जिनकी पानी में मात्रा होती है, जिनकी पानी में मात्रा होती है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों। दिया है इसमें, ठीक है, इसमें दिया है ऑप्शन नंबर का, ठीक है, इसमें दिया ऑप्शन नंबर का 100 mg/L, ठीक है, 100 mg/L या 100 mg/L से कम, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर का हमारा राइट आंसर रहेगा, इसमें दे दिया है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साथ साथ में इंग्लिश स्टूडेंट देख रहेगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट जरूर देख रहेगा दोस्तों इसको, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से ट्रेस शब्द है, जल्दी से निम्न में से ट्रेस तत्व है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला, जल्दी से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहें, जल्दी से बताएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जेड एन, जेड एन हमारा राइट आंसर रहेगा, जेड एन हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर का जिंक, ठीक है, जिंक भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, जल्दी से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है दोस्तों, कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर खा रहने वाला है, जिंक, ठीक है, राइट आंसर रहने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर खा, जिंक हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों, मैग्नीशियम Mg++ तथा आयरन Fe++ पौधों द्वारा लिए जाते हैं, यह आवश्यक है, जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों, और साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देखते रहिएगा दोस्तों, मजे आने वाले हैं पूरी वीडियो में, पूरी वीडियो मजे आने वाले दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए आपके लिए दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला दोस्तों, ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है, क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पत्ता गोभी, ठीक है, पत्ता गोभी भूरे रंग की हो जाती है, जल्दी से कमेंट करेगा, जल्दी से कमेंट करेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पत्ता गोभी भूरे रंग की हो जाती है, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है, कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें, ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, बोरॉन, बोरॉन के कारण जो है पत्ता गोभी जो होती है ऐसी हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे दोस्तों, साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहेगा दोस्तों, इंग्लिश वाले स्टूडेंट जरूर देखते रहेगा दोस्तों, नेक्स्ट यूनिट, ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में आगे दोस्तों, यूनिट नंबर सेकंड, ठीक है, यूनिट सेकंड है ये। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है यूनिट सेकंड का, एल्कोहल का निर्माण होता है, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, एल्कोहल का निर्माण होता है दोस्तों, किसमें होता है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह करेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर गा, अनाक्सी सेशन में, ठीक है, किसमें होता है, अनाक्सी सेशन में होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है श्वसन गुणांक RQ को प्रदर्शित करते हैं, जल्दी से श्वसन गुणांक RQ को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, कौन, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, CO2/O2, ठीक है, CO2 या O2, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के लिए RQ वैल्यू होगी, ग्लूकोज के लिए RQ वैल्यू होगी दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1.0 हमारा राइट आंसर रहेगा, 1.0 हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स चक्र होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, किसमें होता है दोस्तों क्रेब्स चक्र। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, माइटोकांड्रिया में, ठीक है, किसमें होता है, माइटोकांड्रिया में होता है दोस्तों। लाइव नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने ATP प्राप्त होते हैं, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।
तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है इसमें, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, 38 ATP, 38 ATP हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन में एटीपी की कुल प्राप्ति है, जल्दी से कमेंट करेगा। अवायवीय श्वसन में एटीपी की कुल प्राप्ति है दोस्तों कितनी है, जल्दी से कमेंट करेगा। कौन सा ऑप्शन रहने वाला है जल्दी से, तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर घा। ठीक है, दो अड़ू, दो अड़ू ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, दो अड़ू हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बसा का श्वसन गुणांक होता है, बसा का, ठीक है, तो बसा का श्वसन गुणांक होता है दोस्तों क्या होता है, जल्दी से कमेंट करेगा। कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, कमेंट करेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है जल्दी से बताएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर गा, एक से कम, एक से कम ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, एक से कम हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ओपनसिया, ओपनसिया में आरक्यू होता है, ओपनसिया में आरक्यू होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेगा। कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, ओपनसिया में आरक्यू होता है, जल्दी से कमेंट करेगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर का, ठीक है, शून्य। ठीक है, शून्य हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहेगा दोस्तों, मजे आने वाले पूरी वीडियो में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में। ठीक है, तो देखते रहेगा दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा पूरी वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पादप गायिकी के जनक माने जाते हैं, पादप गायिकी के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिएगा। कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, पादप गायिकी के जनक माने जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर खा, स्टीफेन हेल्स, स्टीफेन हेल्स ये हमारा राइट आंसर रहेगा, स्टीफेन हेल्स हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्यू टेन किससे संबंधित है, क्यू टेन, ठीक है, क्यू टेन किससे संबंधित है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिएगा। कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा दोस्तों, अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करते रहेगा, जल्दी से बताएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर घा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है, प्रकाश संश्लेषण हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्लास्टोसाइनिन एक प्रोटीन है जिसमें होता है, क्या होता है दोस्तों, प्लास्टोसाइनिन एक प्रोटीन है जिसमें होता है, क्या होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेगा। कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, जल्दी से बताएगा। तो दोस्तों इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर घा। ठीक है, कॉपर यानी कि सीयू ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा कॉपर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकाश संश्लेषी तंत्र उपस्थित होते हैं, यह जानकारी दी थी, किसने दी थी यह जानकारी दोस्तों, कमेंट करेगा। कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, यह जानकारी दी थी दोस्तों, किसने दी थी, कमेंट करेगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर का। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर का रहेगा, इमर्सन। ठीक है, इमर्सन ये हमारा राइट आंसर रहेगा, इमर्सन हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कैल्विन ने प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में किस सवाल का प्रयोग किया, किस सवाल का प्रयोग किया था दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेगा। कमेंट करेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, कैल्विन ने प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में किस प्रकार किस सवाल का प्रयोग किया, जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर गा रहने वाला है, क्लोरेला, क्लोरेला का प्रयोग किया था दोस्तों, राइट आंसर रहेगा ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहेगा दोस्तों, इंग्लिश वाले स्टूडेंट जरूर देखते रहेगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एनएडी है, ठीक है, एनएडी क्या है दोस्तों, एनएडी क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेगा, एनएडी क्या है, कमेंट करते रहेगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर गा हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा पिगमेंट सिस्टम आवश्यक होता है, पिगमेंट सिस्टम, ठीक है, तो पिगमेंट सिस्टम आवश्यक होता है दोस्तों, किसमें आवश्यक होता है, जल्दी से कमेंट करेगा, कमेंट करेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है जल्दी से। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर का। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर का, जल के प्रकाशीय विघटन में, जल के प्रकाशीय विघटन में ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिल रिएक्शन होती है, हिल रिएक्शन, ठीक है, जल्दी से बताएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, हिल रिएक्शन होती है, कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है।
तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर का, ठीक है, प्रकाश में, ठीक है, हिल रिएक्शन होती है दोस्तों प्रकाश में होती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा बैक्टीरियल, बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता है, जल्दी से बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में कमेंट करते रहेगा, वीडियो को लाइक भी करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में जल्दी से बताएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, H2S, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रकाशीय अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, अप्रकाशीय अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, कमेंट करिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर खा, कैल्विन चक्र, ठीक है, कैल्विन चक्र, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, कैल्विन चक्र हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहेगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट जरूर देखते रहेगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है प्रकाश, प्रकाश अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो प्रकाश अभिक्रिया होती है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, प्रकाश अभिक्रिया होती है, जल्दी से कमेंट करते रहेगा दोस्तों, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, बड़ी मजेदार वीडियो होने वाली दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा पूरी वीडियो को दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर का, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर का रहेगा, ग्रेना में, ठीक है, ग्रेना में, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ग्रेना में हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर का, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैल्विन चक्र, कैल्विन चक्र किस में होता है, जल्दी से बताएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कैल्विन चक्र किस में होता है दोस्तों, कमेंट करेगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर खा, क्लोरोप्लास्ट में, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहेगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट जरूर देखते रहेगा दोस्तों, समझते रहेगा साथ साथ में, ठीक है, साथ साथ में समझते रहेगा दोस्तों, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया भाई, दोस्तों रुक जाइए थोड़ा सा, जरा डिसमिस हो गया, ठीक है ना, तो अभी जो है अभी देख रहे हैं कहां से कहां है, ठीक है, पहुंचने वाले हैं बस। हाँ तो दोस्तों देखेंगे, देखेंगे दोस्तों क्या है, दिया है कैल्विन चक्र किस में होता है, तो दोस्तों आपको बता दिया है किस में होता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है ना, किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहिएगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिया है प्रकाशीय श्वसन, ठीक है, प्रकाशीय श्वसन होता है, प्रकाशीय श्वसन होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, कौन सा ऑप्शन रहने वाला दोस्तों, प्रकाशीय श्वसन होता है, जल्दी से कमेंट करेगा दोस्तों, कमेंट करते रहेगा साथ साथ में, वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है जल्दी से बताते रहेगा दोस्तों। देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर का, ठीक है, C4 पौधों में, ये हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर का हमारा राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रेंज एनाटॉमी दिखाई जाती है, क्रेंज एनाटॉमी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, क्रेंज एनाटॉमी दिखाई जाती है, जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर का, ठीक है, पत्तियों में, ठीक है, पत्तियों में दिखाई जाती है, हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहेगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनाक्षी श्वसन में श्वसन भागफल का मान है, श्वसन भागफल का मान है दोस्तों, क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, अनाक्षी श्वसन में श्वसन भागफल का मान है, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वे क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर घा, ठीक है, अनंत, ठीक है, कितना है, अनंत है, ठीक है। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख रहेगा दोस्तों, इंग्लिश वाले भी देख रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा श्वसन प्रभावित होता है, जल्दी से कमेंट करेगा, जल्दी से कमेंट करेगा, किसके द्वारा श्वसन प्रभावित होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करते रहेगा दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते रहेगा दोस्तों,
और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेगा, जल्दी से बताएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर घ, ए सभी। तो दोस्तों बता दें आपको, किसके द्वारा श्वसन प्रभावित होता है दोस्तों? तो CO2 की सांद्रता के भी द्वारा होता है, ताप के द्वारा भी होता है, और प्रदूषण के द्वारा भी होता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर घ, यानी कि ए सभी, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये सभी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों? ईटी ईटीएस चक्र किस में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। ईटीएस चक्र किस में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करेगा। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, सूत्रकण का। ठीक है, हमारा क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर खा, सूत्रकण का, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमाबद्ध कारक का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जल्दी से कमेंट करेगा, कमेंट करेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से बताएगा, कमेंट करते रहेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वे क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर खा, ब्लैकमेल। ब्लैकमेल ये हमारा राइट आंसर रहेगा, ब्लैकमेल हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वह किससे मुक्त होती है? जल्दी से कमेंट करेगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला, जल्दी से बताएगा कौन सा ऑप्शन रहने वाला दोस्तों, जल्दी से बताएगा। साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहेगा दोस्तों, इंग्लिश वाले भी देखते रहेगा। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, जल, जल हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। तो कृपया करके दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो कृपया करके लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारी आने वाली वीडियो दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। और दोस्तों एक बार बताते हैं, इसकी जो PDF है दोस्तों, हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया दोस्तों, आप PDF को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, आप PDF को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ऑल सब्जेक्ट किसी की भी PDF चाहिए, सबके लिंक दिए हुए हैं दोस्तों, आपको सबके लिंक दिए हुए हैं, वहां से आपको सबकी PDF मिल जाएंगे दोस्तों, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।